हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नीलोफर एंड आप देख रहे हैं टेक नीलोफर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नीश के बारे में जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिस नीश में, और उसमें कंपटीशन भी है, लेकिन अगर आप ठीक से कीवर्ड फाइंड करते हैं और आप उसको रैंक करा लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते आप मिलियंस में इनकम कर पाएंगे, और आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि उस नीच में ना तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा और ना ही आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपको टाइम और पैसा दोनों लगाना पड़े। इसमें सिर्फ आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी और उस स्क्रिप्ट के बाद आपको थोड़े से मेहनत करनी होगी, उसके बाद आपकी अगर वेबसाइट पर कुछ बैकलिंक्स रेडी हो जाते हैं, आप उस वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं, आप अच्छे से एक बार ऑन पेज एसईओ कर देते हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट से आप इतना कमा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे आई आपने भी कभी ना कभी इस वर्ड को ज़रूर गूगल पर सर्च किया होगा, IFSC कोड। जी हाँ, IFSC कोड से रिलेटेड मैं एक आर्टिकल भी लिख चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा तो जिससे आपकी पूरी बात समझ में आ जाए। कई बैंक ऐसी होती हैं जो अपनी बुक पर IFSC कोड प्रोवाइड नहीं कराती और लोग अपनी उस कोड को जानने के लिए वेबसाइट पर आते हैं, और आपको पता नहीं इतना ज़्यादा ट्रैफिक आता है इस कीवर्ड पर। ये एक बहुत ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड है, इसमें भर भर कर ट्रैफिक आता है। ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस पर हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस में आर्टिकल लिख रखे हैं। ये कुछ इमेजेस हैं उसी की, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप भी इस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे तो आपको भी इसी टाइप से उसमें इमेजेस लगानी होंगी अपनी बैंक की, पासबुक की, IFSC कोड दिखाते हुए, और आप भी बना लेंगे जब ये वेबसाइट, तो आप भी बहुत सारी जो ट्रैफिक है वो गेन कर पाएंगे। चलिए इसको इमेजेस को हटाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कैसे वेबसाइट। ये देखिए, एक वेबसाइट है ये जो सबसे ऊपर ही IFSC कोड ऑफ टॉप 5 बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए इस तरीके से ये दिखता है। अगर आप ये पहला लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते ये पर डे कितनी ज़्यादा इनकम करते होंगे। और ये देखिए, गूगल एडसेंस के ऐड इन्होंने भर भर कर लगाए हैं। बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर स्टेट डाली, सिटी डाली, ब्रांच डाली और आपने गेट डिटेल्स पर क्लिक किया, ये आ गया ऐड। ये सिर्फ एक ही पेज पर बनी हुई एक वेबसाइट होती है, सारे ये सभी जगहों के IFSC कोड लिखे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि जो बैंक, इसको पहले कंप्यूटर मोड में कर लेते हैं, डेस्कटॉप मोड में, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं ये वीडियो मोबाइल से शूट कर रही हूँ ताकि जिसके पास मोबाइल ना वो सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो तो वो भी इसे ठीक से एक्सेस कर पाए। ठीक है, मैं एक और वेबसाइट आपको दिखाती हूँ, अभी हमारा फ़ोन बिल्कुल डेस्कटॉप बन चुका है। ये देखिए, IFSC कोड फाइंड, ठीक है, फाइंड करने के लिए लोग जो आएंगे वो इस पर आएंगे। ये देखिए ऊपर बैंक कोड, ये देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट बनी हुई है, ये साइड में गूगल एडसेंस के ऐड चल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से आप भी चाहें तो किसी से बनवा सकते हैं, एक बार कुछ पैसे खर्च होंगे अगर आपको बनाने नहीं आती तो। ये एक आर्टिकल भी है, ये ऐड आ गया, इसे कट करते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा अगर आपने कभी सर्च किया होगा तो यहाँ बैंक का नाम डालेंगे, बैंक चुननी है, जो भी आप बैंक चुनेंगे वो बैंक आ गई, स्टेट आ गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे, एंड इसके ऊपर ब्रांच सर्च करेंगे, यहाँ से आपकी जो भी ब्रांच है जो लिख
उसको उसके बाद फाइंड नाउ पर क्लिक कर देंगे। ये जो फाइंड नाउ अभी क्योंकि मैंने भरा नहीं है तो इसलिए ये रेड हो गया। इस तरीके की आप अगर एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितनी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने भर भर कर गूगल एडसेंस के ऐड लगाए हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, आप सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि IFSC कोड वेबसाइट कैसे बनाएं तो शायद आपको मिल जाए, और अगर इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ पता चलता है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड आप ज़रूर ये वेबसाइट बनाएं और अच्छी खासी इनकम कर लें। आप पहले गूगल पर जाएँ और सर्च करें IFSC कोड, तो आपको ये वेबसाइट एक नहीं कई सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप उनसे एक रिसर्च कीजिए, समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए। समझने के बाद आप भी एक वेबसाइट, चलिए मैं एक और दूसरी वेबसाइट दिखाती हूँ। इन्होंने सिर्फ लिखा है IFSC कोड, ठीक है। ये देखिए एक और वेबसाइट आ गई, इस वेबसाइट का नाम है IFSC कोड बैंक। यहाँ भी सिंपली स्टेट बैंक, अपनी बैंक का नाम, ये सब आपको चुनना होगा। जो भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया ऐसे चुन लिया मैंने। अब ये डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए इन्होंने कितने सारे, ये बीच में भी ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये भी गूगल एडसेंस का ऐड है। इस तरीके से आप वेबसाइट बना लीजिए या बनवा लीजिए। अगर आपने खर्च किया तो एक ही बार आपका खर्च होगा, फिर आप इसमें बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस वेबसाइट पे लगभग $2,000 मंथ के कहीं नहीं गए, इस पर इतनी कमाई होती होगी क्योंकि इस पर बहुत सारे गूगल एडसेंस के ऐड हैं, और जिस जो फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है वेबसाइट, गूगल एडसेंस उसको बहुत सारे पेमेंट देता है, बहुत सारे डॉलर्स देता है, क्योंकि वो बहुत सारे विजिटर गेन करता है। तो आप भी एक ऐसी भी वेबसाइट बनाएं एंड इनकम करें। मैं और भी फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।